सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग ब्लॉग। तो आज मेरे सामने खड़ी है एक डिमांडिंग बाइक, और इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड भी है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लेते हैं टूरिंग पर्पज़ के लिए और संडे राइड के लिए। इस बाइक का नाम है TVS अपाची RTR 164V लिमिटेड एडिशन। ये टॉप एंड मॉडल है, मतलब अपाची में सबसे महंगे वाला वेरियंट है। इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं और जिस हिसाब के लोग इसे लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इसको लेता है एक स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी के लिए लेता है, मतलब एक स्पीडिंग के लिए ही लेता है कि कई बार मतलब स्पीडिंग वगैरह कर ली और इससे थोड़ी बहुत। तो 160 सीसी के इंजन के साथ ये इंजन जो है ट्यून्ड मिलता है, मतलब नॉर्मल 160 का इंजन अगर आप देखते हैं या फिर कोई भी ब्रांड का देखते हैं तो जितना ये ट्यून्ड है, जितनी ये पावर जनरेट करता है, शायद ही कोई इंजन 160 में सीसी के इंजन में इससे इसके जैसा जो है इंजन प्रोवाइड आपको करता होगा। तो स्टार्ट करते हैं फुल वीडियो को। की बात कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके की आपको जो है मिल जाती है, काफ़ी अमेजिंग लगती है, प्रीमियम तो लगती है, साथ ही साथ लाइट वेट भी आपको जो है लगती है। बाकी स्टार्ट करते हैं फुल वीडियो को, फुल रिव्यू को। सो जी, कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक जो है इस बाइक का मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। DRLs भी आपको जो है कुछ इस तरीके के आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का नीचे हाई बीम मिल जाता है और कुछ इस तरीके का लो बीम मिल जाता है। लाइट्स इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, अंधेरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, और स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी इसके अंदर मिल जाता है। हेलोजन सेटअप में इंडिकेटर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके की मैट कलर में बाइक मिलती है, ब्लैक और रेड कलर की इसके अंदर जो है थीम यूज़ की गई है। एलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो रेड कलर के एलॉय व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं। सेक्शन की बात कर लेते हैं तो जो इसके अंदर सेक्शन मिलता है 17 इंचेस का जो है इसके अंदर एलॉय व्हील मिल जाता है। और जो इसके अंदर एलॉय व्हील मिलता है आपको जो इस तरीके का रेड कलर का मिलेगा। टायर साइज़ जो इसका इसके अंदर मिल जाता है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिए, 17 इंचेस का जो है ये आपको रेडियस में मिल जाता है। बाकी जो इसका जो इसके अंदर जो ब्रांड यूज़ किया गया है, TVS वालों ने TVS टायर्स का ही ब्रांड इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है। और इंजन की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंजन जो इसके अंदर मिल जाता है। इंजन के स्पेसिफिकेशन वीडियो के आगे तक बताऊंगा और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। बाकी कुछ इस तरीके का नीचे का मफलर डिज़ाइन मिलता है। कई बार ये मफलर डिज़ाइन ना कभी भी आप कच्चे रास्तों में चलाते हैं तो कई बार ये क्या है चीज़ है, ये टकराता है, और हल्का फ्लेक्सिबल रखते हैं इसको ताकि कहीं भी टकराए तो ये फ्लैक्स हो जाए और टूटे ना एक बार में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी हुई है। यहाँ रबड़ दिया हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से मूव होता है, और जिसकी वजह से जो है ये जो ओवरऑल लुक है इस गाड़ी की एनहेंस्ड भी हो जाती है, और इंजन पे जो कीचड़ आना चाहिए वो नहीं आता है। बाकी कुछ इस तरीके की जो बाइक है ये मिल जाती है फुल्ली फाइबर के, जो ओवरऑल ये चीज़ें मिलती है फाइबर आपको मिलता है। और ये टैंक मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके का, जो इसका टैंक फिलर है ना थोड़ा सेंटर में ना होके ऑफ सेंटर दिया हुआ है, क्योंकि टैंक की जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, इस वजह से थोड़ा साइड में ही देते हैं इसको। और ओवरऑल जो लुक इस बाइक की मिलती है कुछ इस तरीके की मिल जाती है। चेन गार्ड इसके अंदर ऊपर के साइड ही मिलता है, नीचे नहीं मिलता, तो इस बाइक का जो चेन है आपको ल्यूब करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। साइड प्रोफाइल इसकी बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट जो इसके अंदर मिल जाता है, और डुअल टिप तो नहीं है लेकिन एक ही टिप में आपको मिल जाता है। लेकिन इसका जो साउंड है आपको पर्सनली काफ़ी अच्छा मिलेगा, और ये डुअल चैनल डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिल जाता है आगे पीछे दोनों में ABS इस बाइक के अंदर मिल जाता है। पीछे की बात जो है हम कर लेते हैं तो पीछे की बात करते हैं तो पीछे कुछ इस तरीके का LED सेटअप मिल जाता है। हेलोजन सेटअप में जो है इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं, और जो कुछ इस तरीके की जो नंबर प्लेट की लाइट होती है वो भी हेलोजन सेटअप में ही है। मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, इसके अंदर मीटर में जो चीज़ें मिल जाती है, हो सकता है और बाइकों में नहीं मिलती है, क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। लैप टाइमर मोड भी मिल जाता है, इससे आप जो है क्रैश डिटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं भी फॉल होंगे या गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके जितने भी नंबर इस गाड़ी के अंदर जो सेव होंगे ना उन नंबर्स पे क्या है मैसेज चला जाएगा कि हाँ ये बाइक फॉल डाउन हो गई है। और कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली गिर भी जाती है, ऐसे ही गिर जाती है नॉर्मली, तो उसके लिए आपको एक बटन मिलता है, उस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो जो है वो मैसेज नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो चीज़ें हैं इसमें मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और चीज़ें मिल जाती है, एवरेज स्पीड भी दिखाएगा, नेक्स्ट सर्विस भी दिखाएगा इसके अंदर, जब कॉल भी आता है तब भी वो चीज़ दिखाता है।
9.9 सेकंड में ये 0 to 60 चली जाती है। इसके अंदर रेन मोड भी आ जाता है, अर्बन मोड भी आ जाता है इसके अंदर, और स्पोर्ट्स मोड भी आ जाता है। इन तीनों मोड में पावर जो डिलीवरी है चेंज होती रहती है। स्पोर्ट्स मोड में जो इस बाइक की पावर है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आरपीएम मीटर 12,000 तक दिया हुआ है, और टॉप स्पीड आप देख सकते हैं कि टॉप स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा निकल सकती है, 150 तक निकल सकती है आराम से। और इंडिकेटर कुछ इस तरीके का मिल जाता है, और यहाँ आई बटन मिल जाता है जिससे आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कुछ इस तरीके का जो है हाई बीम और लो बीम मिल जाता है। किल स्विच भी इधर मिल जाता है, हाई बीम के लिए लो बीम के लिए मिल जाता है, मतलब ये लाइट्स के लिए मिलता है बेसिकली। और ये इंजन स्टार्ट के लिए एक्सेलेरेटर मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है, ये क्लच कुछ इस तरीके का, ORVM कुछ इस तरीके का मिलेगा। साइज़ काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है इस बाइक का, तो जो ओवरऑल ORVM का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी रहती है। तो एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का RPM लिमिटर लाइट है, मतलब RPM को जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करेंगे ब्लिंक करने लग जाएगा कि RPM थोड़ा कम कर लो, क्योंकि बाइक के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। बाकी एक बार इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इसके अंदर 160 सीसी का इंजन मिल जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करते हैं तो 164.9 सीसी का इसके अंदर इंजन मिल जाता है। इंजन टाइप की बात करते हैं तो SI इंजन मिल जाता है, 4-स्ट्रोक ऑयल्ड कूल SOHC फ्यूल इंजेक्शन के साथ, इंजेक्शन के साथ। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करते हैं तो एक ही सिलेंडर आपको ये मिल जाता है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है इस बाइक के लिए। बाकी मैक्स पावर की बात करते हैं तो इसके अंदर रोनिन वाला ही पावर जो इसके अंदर मिल जाता है, 19.2 PS की ये जो पावर है निकाल के देता है। टॉर्क की बात करते हैं तो 14.2 NM का ये जो है टॉर्क आपको निकाल के देगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर डिस्क ब्रेक में ABS इसके अंदर मिल जाता है, और एवरेज TVS क्लेम करता है 45 KMPL की आपको जो है इसके अंदर एवरेज आपको जो है बाइक क्लेम करती है, और जो TVS वाले हैं वो क्लेम करते हैं। कुछ था इंजन स्पेसिफिकेशन इस बाइक का। अब इस बाइक का एक बार साउंड सुन लेते हैं कि किस टाइप की ये साउंड क्रिएट करके आपको देगा। सो जी कर लेते हैं पहले बाइक को स्टार्ट, गियर अप कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से। ये MID एक्चुअली जो TVS की MID होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और बाइकों से। तो एक बार इसका किल स्विच भी ऑन कर लेते हैं, न्यूट्रल पे है बाइक और ये हमने स्टार्ट कर दिया। इस तरीके का जो साउंड है बाइक क्रिएट करती है, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। इस बाइक का जो थंप है, स्मूदीनेस है ना, काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। तो मेरे को पर्सनली इस बाइक का जो ओवरऑल जो साउंड है काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सुनने में भी। और इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब इंजन में कोई भी SH अनइवन वाइब्रेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग की। तो 158,000 रुपये की ये बाइक आपको ओवरऑल ऑन रोड मिल जाएगी, ऑन रोड दिल्ली। तो आपको कैसी लगी अपाची RTR 164V विथ सेफ्टी फीचर्स के साथ? मुझे तो पर्सनली ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी, और ओवरऑल लुक्स भी इस बाइक के काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली ये मैट कलर पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्वेरी हुई इस बाइक के बारे में तो बेझिझक आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका आंसर देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ मिलता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दे रहा हूँ।